टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं। विगत 13 वर्षों से बहुत ही कम मानदेय पे काम करते आ रहे हैं, इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की स्थिति बदतर होती जा रही है। अतिथि शिक्षक कम वेतन में काम करने को मजबूर हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद शिक्षकों की स्थिति बदतर हो गई है। आर्थिक तंगी के चलते कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। इसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, किसी ने आज तक कोई योजना इनके पक्ष में नहीं बनाई। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनको नियमित करने की बात कही थी और नियमित नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरने तक की बात कह दी थी, लेकिन अब तक कोई कदम उन्होंने भी नहीं उठाया है, जिसको लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस परिपेक्ष में आवेदन दिया गया, हम लोगों को 12 माह का वेतन दिया जाए और हम लोगों को नियमित किया जाए। ये हम लोगों का बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। आगे की कार्रवाई ये है कि अगर हम लोगों का मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो फिर लोग खुलकर विरोध करेंगे इसका। ये आज पूरा प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया गया है अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश द्वारा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरे 52 जिलों में अतिथि शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि उपचुनाव से पहले कोई नीति बनाकर उनका नियमितीकरण किया जाए। हाँ, और इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय भी है जुलाई अगस्त से लेके अभी तक का भुगतान नहीं हुआ है, उसको भी भुगतान किया जाए। इसका भी उसमें दिया गया है ज्ञापन में, क्योंकि अभी तक लगभग प्रदेश से 50 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं और आत्महत्या के बाद अतिथि शिक्षकों के सामने ना तो कोई कार्य है ना कोई सेवा है। अतिथि शिक्षकों की केवल एक ही मांग है कि उनका 12 माह का सेवा काल करते हुए उनको नियमित किया जाए और उपचुनाव के पहले उनको नियमित किया जाए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।